16 अक्टूबर को रात में हमारे CBM वेयर हाउस अक्टूबर को रात में हमारे जो EVM वेयर हाउस में सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ से एक इंसास राइफल गायब हो गई थी। CCTV देखने से पता चला कि वहाँ से चोरी हुआ है। तब से मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था जो कि इसकी पूरे कांड के उद्भेदन के लिए लगातार प्रयासरत थी। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति के पास वो हथियार है, वो बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग हथियार को बरामद करना चाहते थे, इसलिए हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे थे। 10 तारीख को सुबह में सूचना मिली कि उसके डीलिंग होने वाली है, सौदे के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। तो फिर उस सूचना की हमने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पुष्टि की। जब लगा कि खबर सही है तो फिर रात में छापेमारी की गई। तो करगहर थाना स्थित गिरधरपुर गांव में हम लोगों ने छोटू कुमार के यहां पे छापेमारी की। तो वहां पे लगभग 7-8 व्यक्ति उपस्थित थे। पुलिस की टीम को देखते ही भागने लगे। 2-3 राउंड फायरिंग भी की गई, उसमें से कुछ लोग भागने में सफल हो गए। एक जो छोटू था उसको हम लोगों ने धर दबोचा। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसके बिना पे और निशानदेही पे और कल दिन भर छापेमारी चली तो 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। तो बरामद कुल 3 हथियार हैं, जिसमें से एक चोरी गई इंसास राइफल थी, एक दोनाली बंदूक है और एक देसी निर्मित कट्टा है। कुछ कारतूस भी बरामद हुए, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 4 खोखे। दोनाली का भी 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ और 3 खोखे बरामद हुए हैं। इंसास राइफल कहाँ की चोरी गई थी वो बरामद हुई? अभी कल दिन भर हमने उसकी जांच की तो पता चला कि जो जून के महीने में एक रेलवे स्टेशन से चोरी हुई थी, चलती हुई ट्रेन से किसी ने उतार लिया था। ये इंसास राइफल वहाँ की है क्योंकि इसका जो आर्सेनल नंबर है बैरल पे वो वहाँ के GRP थाना में दर्ज FIR के नंबर से मैच करता है। तो जो हमारा EVM वाला राइफल था वो बरामद करना बाकी है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसे भी बरामद कर लिया जाएगा।